हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लंच बॉक्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप इसमें अपनी मनपसंद सब्ज़ी ना बच्चों को खिला सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ले ली है आधा कप सूजी और उसी के साथ 2 चम्मच बेसन। दोस्तों बेसन ना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन इससे ना टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने डाला हुआ है। उसी के साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ सूजी से आधा दही, यानी कि 1/4 कप मैंने दही डाल दिया है। और उसी से मैंने यहाँ डाला है वापस से पानी। ठीक है, मिक्स कर लेंगे दोस्तों अच्छी तरह से, बिल्कुल भी इसमें गांठे नहीं रहना चाहिए। आगे मैं आपको कंसिस्टेंसी बता दूंगी कि हमें किस तरह से हमारा बैटर रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बढ़िया से इसे मिक्स कर लिया है, तो ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो हम और भी इसमें पानी डाल देते हैं। यानी कि दोस्तों मैंने 3/4 कप पानी डाल दिया है इतनी सूजी में। और बस बढ़िया से हम इसे मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। और यहाँ दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं सूजी हमारी कैसे फूल गई है। तो रेस्ट पे रखने से दोस्तों यही फ़ायदा हो जाता है कि सूजी फूल जाती है। तो यहाँ आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह की ही रहना चाहिए। अगर इसे गीली होगी तो बैटर ज़्यादा गीला हो जाएगा, और टाइट रहेगी तो सही से नहीं पक पाएगी। अब आप चाहें अपने मनपसंद की सब्ज़ी जो भी डालना चाहें ना वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टमाटर डाला है, 1 गाजर, 1 मीडियम साइज़ प्याज, और उसी के साथ 1 शिमला मिर्च। सबको मैंने बिल्कुल बारीक टुकड़ों में कट किया है दोस्तों। और उसी के साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, जिसे भी मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर ली है, और थोड़ा सा हरा धनिया। तो दोस्तों आप ना सभी सब्जियों को बिल्कुल बारीक से कट कीजिएगा, ताकि बच्चों को समझ ही ना आए कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। अब मैंने इसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, थोड़े से चिली फ्लेक्स, और 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच ही चाट मसाला। और बस बढ़िया से हम सबको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों आप चाहें तो इसमें पत्ता गोभी या फिर बीन्स या फिर और भी कोई सब्ज़ी आप इसमें डालना चाहते हैं ना, तो वो डाल सकते हैं। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्या क्या ऐड किया है। बस याद रखिएगा कि उसे बिल्कुल बारीक कट करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो घी को भी ग्रीस कर सकते हैं, या फिर बिना डाले भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि हम नॉनस्टिक पे बना रहे हैं। अब यहाँ दोस्तों अपने मन चाहे शेप में आप ये नाश्ता बना सकते हैं। मैं इस तरह से छोटे छोटे बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना छोटी चीज़ ज़्यादा ही पसंद आती है, तो मैं इस तरह से बना के उन्हें रख देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 4 बना दिए हैं। अब हमें दोस्तों ढक के इसे 2 मिनट के लिए रख देना है, जब तक कि अंदर तक हमारा नाश्ता है बढ़िया से पक नहीं जाता। और ये लीजिए दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर से नाश्ता कैसे सूख सा गया है, मतलब अंदर से भी भाप में ये बढ़िया से पक गया है। तो अब मैं इसमें लगा रही हूँ थोड़ा सा तेल, तो मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, ताकि हल्का सा ही लगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है दोस्तों, मैं आगे भी आपको बता चुकी हूँ। बस इसे लगा के हमें पलट देना है। गैस की फ्लेम दोस्तों मीडियम ही रखिएगा, ताकि अंदर तक हमारा जो नाश्ता है ना वो बढ़िया से पक जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मेरा वीडियो ना थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल यानी कि रेनू रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये बिल्कुल फ्री है, तो इस तरह से दोस्तों हमें दबा दबा के भी दूसरे साइड से पका लेना है, ताकि जो नाश्ता है ना बिल्कुल भी हमें कच्चा ना लगे। तो इस तरह से मैंने सभी को दबा दबा के सेक लिया है, और ये लीजिए आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आ गया है, और साथ में हमारा जो नाश्ता है ना वो बढ़िया से क्रिस्पी भी हो गया है। तो बस इतना ही हमें इसको सेक लेना है। और बस इस तरह से आप बना के ठंडा करके बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में खिलाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब भी ट्राई करें ना दोस्तों, तो मेरे साथ फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप चाहें दोस्तों तो इसे ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर टमाटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ दीजिएगा, और भी टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम। तो मैं यहाँ देखिए तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया से पका हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है।